ज़ैद बिन वहाब ने बयान किया कहा हमसे अब्दुल्लह बिन मसूद रदील्ला बयान किया कि नबी करीम सल्हुह वसम ने बयान फरमाया और आप सच्चों के सच्चे थे कि इंसान की पैदाइश उसकी मां के पेट में पहले 40 दिन तक पूरी की जाती है फिर वो इतने ही दिनों तक अलका यानी गलीज़ और जामद ख़ून की सूरत में रहता है फिर इतने ही दिनों के लिए मस्ग गोश्त का लोथड़ा की शक्ल इख्तियार कर लेता है फिर चौथे चिल्ले में अल्लाह ताला एक फ़रिश्ते को चार बातों का हुक्म देकर भेजता है बस वो फ़रिश्ता उसके अमल उसकी मुद्दत ज़िंदगी रोज़ी और ये कि वो नेक है या बद को लिख लेता है इसके बाद उसमें रूह फूंकी जाती है बस इंसान ज़िंदगी भर दो ज़ख़ियों के काम करता रहता है और जब उसके और दो जख़ख़ के दरमियान सिर्फ़ एक हाथ का फ़ासला रह जाता है तो उसकी तकदीर सामने आती है और वो जन्नतियों के काम करने लगता है और जन्नत में चला जाता इसी तरह एक शख्स जन्नतियों के काम करता रहता है और जब उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ़ एक हाथ का फ़ासला रह जाता है तो उसकी तकदीर सामने आती है और वो दो के काम शुरू कर देता है और दो में चला जाता है सही बुखारी हदीस समर तीन हज़ार तीन सौ बत्ते